श्री राम समर्थ दिसंबर 13। भगवान की सेवा शुद्ध भावना से ही हो सकती है। देह कहने पर हृदय और अन्य अवयव हमारे सामने आते हैं, किंतु मान लो देह के अन्य सभी अवयव मजबूत हैं और केवल हृदय की धड़कन बंद हुई तो अन्य सभी अवयव अच्छे होने पर भी उसका कोई उपयोग नहीं है। जबकि इसके विपरीत हृदय की गति जारी है और अन्य अवयव काम करने के लिए सक्षम नहीं है तो भी उपचार करके सारा व्यवहार पूर्ववत जारी रखा जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि एकाध अवयव निकाल देना पड़े तब भी हृदय यदि सक्षम है तो काम चलता है। लेकिन हाँ, यदि हृदय की गति रुक गई तो सब समाप्त हो जाता है। नाम हृदय के समान है, जबकि अन्य साधन अन्य अवयवों की तरह है। इसलिए नाम न हो तो अन्य साधन फलप्रद नहीं होंगे। अब इस जन्म में नामस्मरण इतना काफी है, यह न्याय तुम केवल भगवान के स्मरण के लिए लागू करते हो, पैसे कमाने में या विषय भोगने में नहीं लागू करते। इसलिए कि तुम्हें ऐसा लगता है कि भगवान का स्मरण न करने पर कोई बिगड़ता नहीं। गृहस्थी या प्रपंच में जिसे प्रीति कहते हैं वह भगवान की ओर लग जाए तो वही भक्ति बनती है। प्रपंच की आसक्ति भगवान का मधुर भाव बनती है। इस प्रकार अपने विकार भगवान की ओर लगाए जा सकते हैं। एक यात्री था, रेलगाड़ी में उसे अच्छी जगह मिल गई, इसलिए वह अपने निर्धारित स्टेशन पर नहीं उतरा, बल्कि गाड़ी जहां अंत में रुकती है वहां तक वह गया और उसी गाड़ी से पुनः वापस आया और अपने निर्धारित स्टेशन पर उतरा। उसी प्रकार हमारा जन्म मरण का प्रवास चल रहा है। तुम उस यात्री की तरह वापस मत लौटो। यात्रा में केले संतरे आदि फल लो, खाओ, यानी यहाँ घर बार आदि बनाओ, लेकिन अपना स्टेशन मात्र मत भूलो। भगवान ही हमारा स्टेशन है। इन दिनों शास्त्री पंडित आदि सब लोग भी भगवान के विरुद्ध बोलने लगे हैं। इसलिए पहले हम अपने साधन की निश्चितता करें और बाद में पोथी पुराण आदि सुने। अनेक लोग जो पोथी सुनने के लिए जाते हैं वे लोग उन्हें अच्छा कहे इसलिए या मन नहीं लगता इसलिए या फिर कोई काम नहीं इसलिए जाते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। पोथी पुराणों में दोष नहीं है, लेकिन कहने वाला उसमें अपना कुछ मिलाकर कहता है और वह हानिकर होता है। कर्तव्य का भान और भगवान का अखंड अनुसंधान, यही सभी पोथों का सार है। हम जैसा करते हैं वैसा बोलने के लिए हमें अपना बोलना कम करना चाहिए। बोलना कम करने के लिए हमें मन को कहीं लगाए रखना चाहिए। भगवान की सेवा शुद्ध भावना से ही हो सकती है। इस भावना की जड़ हरेक के हृदय में होती है। यही शुद्ध भावना हमें तारती है, मंदिर और समाधि नहीं तारते। देह के सहवास के कारण जैसे देह के साथ एक रूपता हो गई है, वैसे ही भगवान को न भूलकर उसका स्मरण लगातार करते रहे तो उसके साथ एक रूपता क्यों नहीं होगी। आज का मुख्य विचार, परमार्थ कितना ही कठिन हो तो भी नाम से वह सुसाध्य होता है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.